देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने साइकिल से निकली महाराष्ट्र के पुणे की पूजा बुधावले बुधवार को इंदौर पहुंची। यहां इंदौर के वाव ग्रुप ने पूजा का स्वागत किया। गुरुवार सुबह पूजा ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी और वहां से लौटकर फिर उज्जैन महाकाल के दर्शन करेंगी। पूजा बुधावले ने बताया कि योग का प्रचार और एकता का संदेश देते हुए वो साइकिल यात्रा पर निकली हैं। पूजा ने यात्रा 8 अक्टूबर को श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड में दर्शन कर शुरू की थी। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद वो इंदौर पहुंची। अब तक पूजा करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी हैं। वहीं उनकी यात्रा श्री रामेश्वरम में समाप्त होगी। पूजा कहते हैं कि योग को धर्म से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन योग केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं है, सभी जाति धर्म के लोग इसको अपनाएं। समीर इनके सहायक के तौर पर उनके साथ हैं। इसके पहले पूजा कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा कर चुकी हैं। मैं केदारनाथ से साइकिल यात्रा की शुरुआत कर चुकी हूँ और मैं 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल यात्रा पूरी 8000 किलोमीटर की कर रही हूँ। अभी तो मैं आज इंदौर आ चुकी हूँ और ये यात्रा तमिलनाडु के रामेश्वरम तक चलेगी। और इससे पहले मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल यात्रा की है, वो 35 डेज में 4000 किलोमीटर हमने किए थे। तो उसमें हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोल्यूशन फ्री इंडिया पे काम किया था। किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल यात्रा पे हम योग प्रचार और एकता का संदेश लेके चल रहे हैं। तो मेरा स्लोगन ही है कि योग मेरा कर्म है और एकता मेरा धर्म है। आज इंदौर में आप आए हैं, आपका स्वागत हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज इंदौर में हम आए, बहुत बड़ा वेलकम हमारा यहाँ पे मैम ने किया है वाव की तरफ से, और हम उनसे उनको दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। मुझे अपनी तरह की और दूसरी युवतियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रेरणा के लिए? जी, मैं सबको यही कहूँगी कि देखो, मन में कोई डर वगैरह मत रखो कि बाहर लोग ऐसे, बुरा सोचो ही मत तो बुरा होगा ही नहीं, अच्छा सोचो अच्छा ही होगा, और जो आपके सपने हैं उसे पूरा करने में लगे रहो।